हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। टीकाकरण के साथ ही कोरोना के प्रति जागरूकता भी बहुत जरूरी। ओला गांव-गांव में कोरोना जागरूकता की अलग जगाने के लिए डूंगरपुर के दो ब्लॉकों बीछीवाड़ा और सिमलवाड़ा के लिए कोरोना जागरूकता रथों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। डूंगरपुर यूनिसेफ भारत के सहयोग से सोसाइटी टू अपलिफ्ट रूरल इकोनॉमी द्वारा चलाए जा रहे कोरोना जागरूकता कार्यक्रम के तहत गुरुवार को डूंगरपुर जिले के दो ब्लॉकों बीछीवाड़ा और सिमलवाड़ा के लिए कोरोना जागरूकता रथों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर अपने जिला कलेक्टर सुरेश कुमार ओला ने आदिवासी बहुल क्षेत्र में कोरोना जागरूकता कार्यक्रमों की आवश्यकता पर बल देते हुए इस अभियान में प्रशासन द्वारा हर संभव सहयोग मुहैया करवाने का आश्वासन दिया। ओला ने कहा कि इस महामारी को फैलने से रोकने के लिए टीकाकरण के साथ ही लोगों में कोरोना के प्रति जागरूकता होना भी बहुत जरूरी है, ताकि वे कोरोना प्रोटोकॉल की पालना करते हुए संक्रमण के वाहक ना बने। मुख्य कार्यकारी अधिकारी अंजलि राजौरिया ने कलेक्ट्रेट परिसर में कोरोना जागरूकता रथों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। राजौरिया ने कहा कि स्थानीय बोली और लोक शैली के जरिए कोरोना जागरूकता न सिर्फ एक अभिनव प्रयास है, वरन ये एक प्रभावी पहल भी है। राजौरिया ने कहा कि डूंगरपुर के एक आदिवासी बहुल क्षेत्र है, जहां दूसरे इलाकों के बजाय लोगों में जागरूकता की कमी है। उन्होंने कहा कि प्रशासन अपने स्तर पर हर संभव प्रयास कर कोरोना नियमों की पालना और टीकाकरण पर जोर दे रहा है, लेकिन स्थानीय बोली और लोक शैली में कोरोना जागरूकता कार्यक्रमों से लोगों में जन जागृति बढ़ेगी। यूनिसेफ प्रतिनिधि जमीर अनवर ने कहा कि स्थानीय बोली और लोक शैली में कोरोना जागरूकता कार्यक्रम के पीछे एक उद्देश्य है। उन्होंने कहा कि किसी भी कार्यक्रम की सफलता के लिए लोगों का अधिकाधिक जुड़ाव जरूरी है, और यह तभी संभव है जब उनसे उनकी भाषा, उनकी शैली और बोली में संवाद किया जाए। ऐसे में श्योर संस्था के साथ मिलकर यूनिसेफ ने स्थानीय बोली और लोक शैली में कोरोना जागरूकता कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की है। जमीर ने कहा कि रेगिस्तानी बाड़मेर और जैसलमेर जिलों में इस पहल के सकारात्मक परिणाम मिले हैं, और वे आशा करते हैं कि आदिवासी बहुल क्षेत्रों में भी यह पहल प्रभावी रहेगी। श्योर की संयुक्त सचिव लता खचवा ने कहा कि कोरोना की भयावहता को हम सभी देख चुके हैं, ऐसे में कोरोना को लेकर सजगता बहुत जरूरी है, और जन जागरण के माध्यम से ही लोगों को कोरोना के संबंध में जागरूक किया जा सकता है। खचवा ने बताया कि यूनिसेफ भारत के सहयोग से श्योर द्वारा गांव-गांव तक स्थानीय लोक कलाकारों की मदद से स्थानीय बोली और लोक शैली के जरिए कोरोना जागरूकता की पहल शुरू की गई है। कार्यक्रम प्रबंधक हनुमान चौधरी ने बताया कि संस्थान द्वारा स्थानीय कलाकारों को लोक संगीत, लोक गीतों, कठपुतली प्रदर्शन और नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से लोगों को कोरोना प्रोटोकॉल की जानकारी देने, कोरोना टीकाकरण के लिए प्रेरित करने के लिए और इससे जुड़ी भ्रांतियों को दूर करने के लिए जन चेतना जगाने का प्रशिक्षण दिया गया है। उन्होंने बताया कि संस्थान द्वारा पूर्व में बाड़मेर और जैसलमेर जिलों में स्थानीय बोली और लोक शैली के जरिए कोरोना जागरूकता कार्यक्रम चलाए गए हैं, और अब द्वितीय चरण में सिरोही और डूंगरपुर के 5 ब्लॉकों में यह कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। कोरोना जागरूकता रथों को रवाना करने के मौके पर महेंद्र सिंह खचावा, सुनील राखेचा, नेहरू युवा केंद्र के युवा समन्वयक प्रदीप, अभियान से जुड़े लोक कलाकार, स्वास्थ्य, महिला एवं बाल विकास सहित कई विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित कलाकार टीम द्वारा कोरोना विषय कार्यक्रम की प्रस्तुति दी। जागरूक टीवी के डूंगरपुर से खास रिपोर्ट।